नमस्कार, पीपीए 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मुख्तार पर कसता सिकंजा, गुर्गों का ब्यौरा फिर तैयार कर रही है पुलिस, किसके पास कितने हथियार। बाहुबली मुख्तार अंसारी के उन करीबियों पर भी कार्रवाई की कवायद तेज हो गई है जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज है। गैंगस्टर लग चुका है और अभी तक उनकी संपत्ति कुर्क नहीं की जा सकी है। पुलिस अफसरों ने मुख्तार के इन करीबियों का ब्यौरा नए सिरे से तैयार करवाना शुरू कर दिया। इस बार ये भी ब्यौरा लिया जा रहा है कि इनमें किसके परिवार में कितने शस्त्र लाइसेंस हैं। पिछले साल तत्कालीन पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने मुख्तार के करीबियों पर कार्रवाई के लिए अभियान चलाया था। 142 टीमों ने लखनऊ में कई जगह दबिश भी दी थी, जिसमें मुख्तार के करीबी अतीक अभिषेक उर्फ बाबू समेत कई लोग पकड़े गए थे। इनमें से कई के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी। इसके बाद आगे की कार्रवाई रुक गई थी। अब मुख्तार के कई करीबियों का नाम बाराबंकी के एम्बुलेंस प्रकरण में आने के बाद कमिश्नरेट पुलिस भी हरकत में आ गई है। जेल गए शाहिद शूटर अमित राय और पीके सिंह समेत कई लोगों की संपत्ति का ब्यौरा तैयार हो रहा है। इतना ही नहीं, इसके लिए मऊ गाजीपुर पुलिस से भी मुख्तार गिरोह के सूचीबद्ध अपराधियों का ब्यौरा मांगा है। ये अपराधी लखनऊ में अपना ठिकाना बनाए हुए थे।